तो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर बीसीसीआई लगातार अपडेट्स देती जा रही है, जहां पर बीसीसीआई के रेगुलर मीटिंग्स का दौर चालू है, जहां पर बीसीसीआई के रेगुलर मीटिंग्स और अनाउंसमेंट का दौर चालू है, जहां पर इन सब के बीच फिर से बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 पर चार बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करने वाले सभी के सभी अनाउंसमेंट को। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है जो बीसीसीआई की तरफ से किया गया है, वो किया गया है आईपीएल के लॉसेस की तरफ से। बीसीसीआई के मीटिंग में आईपीएल 2020 के लॉसेस के ऊपर डिसीजन लिया गया था, जब बीसीसीआई के जो ट्रेजरर है अरुण धूवल, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि अगर आईपीएल 2020 नहीं होता है तो बीसीसीआई को हाफ अ बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। और अगर बीसीसीआई को ये लॉस होता है तो बीसीसीआई को अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कट करना पड़ेगा। या बीसीसीआई का जो आईपीएल होता है वो आप मान सकते हैं कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आईपीएल से बीसीसीआई को मिलता है, और इसी के वजह से बीसीसीआई ये 100% कोशिश करने वाली है कि कैसे भी करके आईपीएल 2020 किया जाए, ये खुद बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा है। और इसी के वजह से बीसीसीआई ने अभी तक जो आईपीएल है उसको लेकर वेट एंड वॉच का गेम खेला है, जो बहुत ही अच्छी खबर आईपीएल फैंस के लिए निकल के आ रही है। वही जो दूसरी अनाउंसमेंट इनकी तरफ से की गई है वो की गई है वर्ल्ड कप 2020 और वर्ल्ड कप 2021 के स्वॉप की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई के मीटिंग से पहले ये सब बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी। वर्ल्ड कप 2020 जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वही वर्ल्ड कप 2021 इंडिया में होने वाला है। तो सबको यही कह रहे थे कि बीसीसीआई को ऑस्ट्रेलिया के साथ दोनों वर्ल्ड कप को स्वॉप कर लेना चाहिए, यानी कि मतलब यही था कि वर्ल्ड कप 2020 को इंडिया में करवा लेना चाहिए और वर्ल्ड कप 2021 को ऑस्ट्रेलिया को दे देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली 2020 में वर्ल्ड कप कराना अभी के लिए मुश्किल लग रहा था। ये बीसीसीआई की मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया गया है कि उन लोग वर्ल्ड कप को स्वॉप नहीं करने वाले हैं, और अगर वर्ल्ड कप स्वॉप होता तो ये आईपीएल फैंस के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि उसके बाद आईपीएल के लिए पूरा विंडो ओपन हो जाता, बीसीसीआई वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईपीएल करा पाती। लेकिन अब जो बीसीसीआई है उन्होंने इसके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया है। भाई जो तीसरी अनाउंसमेंट की तरफ से की गई है वो की गई है यूएई से रिलेटेड। बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि श्रीलंका के बाद यूएई ने भी बीसीसीआई को अप्रोच किया था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएई चाहती है कि बीसीसीआई यूएई में आके तीन स्टेडियम्स में पूरे के पूरे सितंबर में, यानी कि एशिया कप से ठीक पहले, वहाँ पे आईपीएल 2020 को करवा ले। लेकिन बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दिया कि वो अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाली है, जो फाइनल डिसीजन है वो ऑब्वियसली फ्यूचर में ही जब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद ही लिया जाएगा। वही जो चौथा और जो आखिरी अनाउंसमेंट है जो बीसीसीआई की तरफ से किया गया है वो किया गया स्टार इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, जहाँ बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि चाहे आईपीएल 2020 हो या फिर आईपीएल 2020 ना हो, स्टार इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक 2017 को ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था और 21 तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला था। लेकिन अगर इस साल आईपीएल नहीं होता तो ऑब्वियसली हम सबको ये लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया है। ऑब्वियसली स्टार इंडिया को एक साल का नुकसान होगा इसके वजह से, और फ्यूचर में ऑब्वियसली स्टार इंडिया और बीसीसीआई के बीच हम लोग को लीगल बैटल ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो ये तो थे चार बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट जो बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 पर की गई है। इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।